एम चोगदा गुड मॉर्निंग नमस्ते बोंजू। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे बेबी पांडा। और आज आपका बेबी पांडा आपको यहाँ की बेल्जियम की और यूरोप की स्कूलिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बता देगा। तो इफ़ यू गाइस आर एक्साइटेड तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियोस एंड पूरा एंड तक वीडियो देखना, बहुत मज़ा आने वाला है और आपको बहुत मैं कुछ बताने वाला हूँ यहाँ की स्कूलिंग सिस्टम के बारे में। तो चलते हैं। तो गाइस अब मैं निकल चुका हूँ अपने स्कूल के लिए और मैं आज जैसे कि आप सभी को बताया था कि मैं बताने वाला हूँ स्कूल के बारे में। तो मैं जो यहाँ पे फोर्थ स्टैंडर्ड में हूँ, फोर्थ। तो अभी आप सब सोचते होंगे तूने यहाँ से टेंथ किया और वहाँ पे फोर्थ में कैसे गया, तो वो भी बहुत अलग ही टाइप का डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पे कैसा रहता है कि स्कूलिंग जो है वो अब बच्चा लाइक वन ईयर का हो तब से स्टार्ट हो जाता है। तो जैसा कि सब पेरेंट्स काम करते हैं तो घर पे कोई रहता नहीं है क्योंकि सब न्यूक्लियर फैमिली है यहाँ पे, तो घर पे कोई रहता नहीं है संभालने वाला बच्चों के लिए। तो फिर वो लोग जाते हैं और स्कूल पे रखते हैं बच्चों को बेबी एज ए बेबी सिटिंग, पर वहाँ पे भी बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे बच्चों की तब से स्टार्ट हो जाती है। और फिर बात आती है फर्स्ट स्टैंडर्ड में। जैसे ही फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हैं तो फर्स्ट टू सिक्स अपना सेम रहता है, फर्स्ट टू सिक्स प्राइमरी। तो यहाँ पे भी फर्स्ट टू सिक्स प्राइमरी और वापस जैसे आपने सिक्स प्राइमरी कंप्लीट की उसके बाद फर्स्ट टू सिक्स सेकेंडरी। तो मैं अब फर्स्ट टू सिक्स सेकेंडरी में हूँ, तो मैं फोर्थ सेकेंडरी में हूँ। और वो फोर्थ सेकेंडरी देखा जाए तो इंडिया के हिसाब से टेंथ होता है और मैंने तो टेंथ अपनी कंप्लीट कर ली है। पर जैसे कि आप देख सकते कि मैं एक एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ तो मुझे इतना करना नहीं पड़ता है, मुझे बस यहाँ का एक्सपीरियंस लेना है यहाँ पे लोग कैसे हैं और वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है। तो अच्छा लगेगा आपको भी मुझे भी और मैं बताने वाला हूँ स्कूल में जाके। चलिए मिलते हैं स्कूल में। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि मैं यहाँ पे शिफ्ट दिखाऊंगा आपको, अपना आज भी कट चुका है, आज भी शिफ्ट नहीं दिख रहे, मैं नहीं दिख रहे, सॉरी गाइस। बट यहाँ का नेचर देखो, वातावरण तो यहाँ का वाव, चिड़िया चहक रही है। जब भी यहाँ ये रास्ते से मैं गुजरता हूँ ना, शुद्ध हवा, पवन, ठंडा और चिड़ियों की चहक से मेरा मन भावन हो जाता है, मुझे बहुत मज़ा आता है पता है। और ये बात तो एक सही है, यहाँ की जो क्लाइमेट है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। चिड़िया दिखती है, चहके सुनने मिलती है और बहुत कुछ। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मेरे को ब्रेक मिला है तो खा के, अबे साले तौबा माफ कर देना भाई, ऐसा बच्चा समझ के मार देते। तो हम लोग जा रहे हैं अभी कैफू मार्केट खाने, स्कूल में अभी ब्रेक पड़ा है, थोड़ा भूख लगा है।
vlog for 10 seconds in front of the kettle. Will you wait for me? You'll also come in the vlog. So like I'll just tell like, so guys, we are just hungry, so we'll go in the supermarket and fetch something for us. And you can do action like hungry from behind. Like if you want, like in my vlog will be the funny also and informative. तो गाइस हम लोग अब पहुंच चुके हैं कैफू मार्केट और अभी थोड़ी बहुत ज़्यादा भूख लगी तो हम थोड़ा कुछ खा के आते हैं ठीक है सो वील गो इनसाइड एंड हैव ऑल समथिंग टू ईट दिस ऑन द ब्रेड Réussi toutes les pains. He's making his vlog. You're gonna buy Pringles. He's making his जब हम लोग ने खाना खा लिया है मस्त पेट भर लिया पर मुझे कुछ याद आ रहा है मैं कुछ भूल रहा हूँ मैं क्या बात अरे हाँ नहीं माने अरे मैं तो भूल ही गया देखो मैं किस चीज की व्लॉगिंग कर रहा था और क्या चीज पे आ गया मैं ट्रैक चेंज कर लिया आपसे बात करके मुझे इतनी मजा आती है तो मैंने ट्रैक ही चेंज हो गया सॉरी यहाँ स्कूलिंग सिस्टम में मुझे दूसरी चीज बहुत अच्छी लगी वो है अपना क्या बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे कोई भी स्कूल पब्लिक नहीं है प्राइवेट नहीं है सब पब्लिक है सॉरी मिस्टेक माय मिस्टेक सो सब गवर्नमेंट स्कूल है तो यहाँ पे फीस भी देनी नहीं पड़ती खाली आपको वही चीज़ पे करना रहता है जैसे कि बुक्स है अपना कोई ट्रैवल का हो गया कुछ खाना हो गया वो सब पे करके तुम स्कूल में रह सकते हो या फिर तुम बाहर गाँव के हो या तो तुम बेल्जियम के हो किसी के लिए भी फीस लागू नहीं है यहाँ पे वो चीज़ मेरे को सबसे बहुत ही अच्छी लगती एक चीज़ और जो है यहाँ पे जो मुझे डिफ़िकल्ट लगता है वो है फ्रेंच में क्योंकि अगर आपको फ्रेंच नहीं आता तो यहाँ कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हर एक कोर्स फ्रेंच में है तो वो थोड़ा डिफ़र करता है अगर आपको फ्रेंच आता हो तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू फिर आपकी सिक्स्थ सेकेंडरी ख़त्म हो जाती है तो आपको अभी यहाँ से ये लोग प्रीफर करते हैं यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो है कि ब्रुसेल में और एक है लियेज में जहाँ पे मैं रहता हूँ तो लियेज यूनिवर्सिटी में भी कैसा है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में कि अभी
स्कूल्स में खाली सिर्फ फ्रेंच बोलते थे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश कोर्सेज भी होते और फ्रेंच कोर्सेज भी होते, पर यूनिवर्सिटी में आपको फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपीज देने पड़ते हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक फीस रहती है स्टार्टिंग फीस, उसके बाद आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। तो और फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में भी सेम रहता है, गवर्नमेंट की रहती है पर स्टार्टिंग की फ़ीस देनी पड़ती है, और आप जो अपार्टमेंट में या हॉस्टल में रहोगे उसकी फ़ीस देनी पड़ती है। स्टडी वाइज भी सब लोग यहाँ पे बहुत स्टूडियस है, स्टडी के टाइम स्टडी करते हैं, मस्ती के टाइम मस्ती करते हैं, और सब जाते हैं बाहर घूमते हैं सैटरडे संडे, मंडे टू फ्राइडे सब एकदम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अपना काम कर लेते हैं। तो वो एक डिफरेंस मेरे को यहाँ पे भी लगा कि पूरा मंडे टू फ्राइडे काम और उसके बाद वीकेंड पे फुल मजे, तो वो भी एक चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है स्कूलिंग सिस्टम में। और अभी आज फ्राइडे है पर मेरे को तो जाना है स्कूल में, मेरे को पढ़ाई करने का है और ब्रेक अभी ख़त्म ही होने वाला है, तो मैं जाता हूँ, स्कूल ख़त्म होता है मैं तभी आपको। सो हे गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड राइट नाउ क्योंकि आज फ्राइडे था और स्कूल ख़त्म, 2 दिन की छुट्टी, मजे ही मजे, पार्टी, और ये 2 सैटरडे संडे मैं और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगा। मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं जा रहा हूँ घर पे, पर आपको मिलूँगा कल। Bye. Love you all.